हेलो फ्रेंड्स, स्टडी गाइड चैनल पे फिर एक बार आप सभी को स्वागत है। तो रेल का जो अपडेट है अभी, तो उसमें आप सभी लोग चेक कर लिए होंगे कि आपका जो सिटी है, एग्ज़ाम सेंटर का सिटी कहाँ पर है। तो अगर आप अभी तक नहीं चेक किए तो चेक कर लीजिए कहाँ पर है, और जो ट्रैवल अरेंजमेंट है वो कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि रेल ने बोल दिया है कि कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर है, कितना दूरी पर है, और कौन सा डेट में है, 13 तारीख, 17 तारीख, या अगस्त का 29th या 30, कौन सा तारीख से है और कहाँ पर है, ये रेल ने बोल दिया है, ठीक है। टाइम भी कितना दिया हुआ है, बोल दिया है कि 9 बजे से या 8 बजे से या 11 बजे से, तो वो रेल ने वो सब बोल दिया आप लोगों को। तो अभी क्या करना है, अभी जो करना है, हम अभी जो ये वीडियो है, ये वीडियो मॉक CBT और प्रैक्टिस कैंडिडेट के लिए है। तो हम एक बार देख लेंगे कि ये मॉक लॉगिन क्या बोल रहा है, ठीक है। आपको ऐसा एक लॉगिन मिलेगा, जब आप एक कंप्यूटर में एग्ज़ाम में देने बैठे होगे तो एक लॉगिन ऐसा मिलेगा, इसमें आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। अभी यहाँ पर कोई यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं डालना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपका नाम दिखाएगा, ठीक है, अगर यहाँ पर आपका पिक्चर दिखाएगा। अगर यहाँ पर आपका नाम नहीं दिखा और यहाँ पर अगर आपका पिक्चर नहीं दिखा, तो तुरंत जाकर इन्विजिलेटर को आपको बोलना है कि ये आपका गलत है, ठीक है। इसका आपका सिस्टम नंबर मिलेगा, कंप्यूटर का जो सिस्टम नंबर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर आईडी पासवर्ड वो आपको एग्ज़ाम हॉल में बोल देगा क्या आईडी पासवर्ड रहेगा। आईडी पासवर्ड कुछ भी रह सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका रोल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, ऐसा कुछ करके रह सकता है, ठीक है। ये तीनों में ही होता है। तो साइन इन कर दे, साइन इन करके क्या देखें, देख लिया जाए तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। इंस्ट्रक्शन आपका बाद में भी आप देख सकते हो। इंस्ट्रक्शन में जो चीज़ गौर करनी है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये तीन नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, आप जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कोई स्किप टिप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि हम बहुत कुछ बोलने वाला है इस वीडियो में। तो यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, मतलब आप अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं, ठीक है, आप अभी तक प्रश्न पर नहीं हुए। ये साइन आपको ये राइट हैंड साइड पे, ये जो राइट हैंड साइड का जो प्लेस है, यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आपका पिक्चर दिखेगा, यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, ठीक है। यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, लाल मतलब आपने ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। ये जो ग्रीन कलर है, तो इसमें क्या बोल रहा है, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। खूब कभी कभी बच्चे जो करते हैं एग्ज़ाम पे, क्या करते हैं, रिव्यू करके चला जाता है, ठीक है, बाद में हम देख लेंगे, अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर किया जाए। तो आप अगर रिव्यू करके चले जाएंगे, तो रेल ने एक बात बोल दिया है क्लियरली कि द क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एवोल्यूशन, हेंस नो मार्क्स विल बी एलोकेटेड फॉर द सेम। मतलब प्रश्न समीक्षा के लिए चिन्हित की जाए नहीं की जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आपने इसको मार्क रिव्यू के लिए चिन्हित कर दिया है, उसके आपका कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान पे रखी लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट करके जाते हैं, इंस्ट्रक्शन बाद में देखा जाएगा। तो इसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन है, छोटा सा बोला है, 60 मिनट का टाइम है, ये तो जानते ही, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1 क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एट ए टाइम, एक ही क्वेश्चन एक बार में दिखा जाएगा। और क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू बी अवेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड पर क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आपका टाइम जितना भी से कम ले, डू नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन एनी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को लेकर आप छोड़ दे सकते हैं। तो ईच क्वेश्चन हैज 4 अल्टरनेटिव, आउट ऑफ विच ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर, एक ही करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। उसमें लैंग्वेज इंग्लिश, या आप जो लैंग्वेज चूज़ किए हैं वो लैंग्वेज पर भी देख सकते हैं। दिस इज़ अ मॉक टेस्ट, मतलब ये एक मॉक टेस्ट है। द क्वेश्चन पेपर डिस्प्लेड फॉर दिस फॉर प्रैक्टिस पर्पज, ये प्रैक्टिस पर्पज है, ये सैम्पल पेपर नहीं है, ठीक है। इसमें राइट क्लिक कर दे, और राइट क्लिक नहीं, क्लिक कर दे और चले जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट कहा गया, आई एम रेडी टू बिगिन, ठीक है। तो ये आ रहा है क्वेश्चन पेपर। देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि कौन क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम पे नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, या इंपॉर्टेंट बात हमने करनी है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर टाइम चल रहा है, देखिए ये टाइम घटता जा रहा है, ये सर्वर का टाइम है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली घटता जाएगा, ठीक है। आपको ही टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी से आंसर किया जाए। बहुत सारे चीज़ हम यहाँ पर बताएंगे, तो बने रहना हमारे साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये मुझे जानना नहीं है ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बोला है, कोई भी एक क्वेश्चन बोला है, तो मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, तो ऑप्शन ए हम कर देते हैं,
यहाँ पर ऑप्शन ए हमने डाल दिया। तो ऑप्शन ए डालने के बाद जो आपको क्या दिखेगा वो हम बोलते हैं। यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, एक क्विक क्लियर रेस्पॉन्स, एक है सेवन नेक्स्ट। तो आपको हर एक क्वेश्चन पे जाकर सेवन नेक्स्ट करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, जो क्वेश्चन का आंसर आप दोगे उसका सेवन नेक्स्ट करना है। मतलब हमने यहाँ पर ऑप्शन ए दे दिया तो सेवन नेक्स्ट करके चले जाए क्वेश्चन नंबर टू पे। तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर टू है, इसमें एक काम किए हम, कोई ऑप्शन नंबर ए आंसर दे दिए और सेवन नेक्स्ट नहीं करके हम चले गए तीन नंबर क्वेश्चन पे। तो क्या हुआ, ये देखिए लाल हो गया, मतलब ये आपका आंसर नहीं दिया है। तब चले जाइए क्वेश्चन नंबर टू पे और यहाँ पर ऑप्शन ए दे दीजिए और सेवन नेक्स्ट कर दें, ठीक है। अब अगर मान लो आपको 75 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आप एक रिवीजन दे रहे हो, ठीक है। रिवीजन देने के वक्त आपके क्वेश्चन नंबर टू पे आए और देखा, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने गलती कर दिया, तो ये तो ऑप्शन बी होगा, तो आप ये चेंज कर सकते हैं, तुरंत चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर रेस्पॉन्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप क्लियर रेस्पॉन्स करें तो आपको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा चला जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्लियर रेस्पॉन्स किया, फिर आपने ऑप्शन बी दिया, तो ये नहीं कर सकता। आपको डायरेक्ट अगर ऑप्शन ए है तो आप अगर डायरेक्ट ऑप्शन बी जा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अगर आपने क्लियर रेस्पॉन्स किया, देखिए ये लाल हो गया, फिर लाल हो गया, आपको सेवन नेक्स्ट करना पड़ेगा, सेवन नेक्स्ट, ये देखिए ग्रीन हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखने पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, इसमें आप मैं क्या करता हूँ, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करके चला जाता है। देखिए ये चेंज हो गया कलर, ठीक है। लेकिन तो अब क्वेश्चन नंबर तीन पे हम जाए, इसका आंसर दे दिए फाइव, ठीक है, इसका आंसर दे दिए फाइव, तो इसमें सेवन नेक्स्ट कर से सॉरी सेवन नेक्स्ट नहीं, इसको मार्क एंड रिव्यू एंड नेक्स्ट करके चला जाता है। तो ये आंसर भी दे दिया गया लेकिन मार्क एंड रिव्यू नेक्स्ट करके चला गया। बाद में आप नहीं बोल सकते कि मुझे आंसर क्यों नहीं मिला क्वेश्चन नंबर थ्री पे, क्योंकि यहाँ पर देखिए रेल ने क्या बोला है, रेल ने बोला आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एवोल्यूशन। मतलब ये वाला एवोल्यूशन पे नहीं जाएगा, ठीक है, इसमें आपका कोई ना, अगर मान लीजिए फॉर द टाइम बीइंग कि ये इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, इस क्वेश्चन का आंसर ए है, आपने सही किया, लेकिन आप जो ये कर दिए ना मार्क एंड रिव्यू एंड नेक्स्ट, इसके लिए आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सेवन नेक्स्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर सेवन नेक्स्ट कर दिया तो ग्रीन हो गया, तो अगर ऑप्शन ए करेक्ट है तो आपको सही नंबर मिल जाएगा, पूरा नंबर। अगर ऑप्शन ए गलत है तो वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगा। तो मेरी एक तो रिक्वेस्ट आप सभी को है कि आप एक एक करके जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्किप ना करें, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो आपको जी आई का जो पोर्शन है उसमें कुछ तेरा मेरा रहेगा कि आपको टाइम गंवाने के लिए, ठीक है। तो जनरल साइंस में क्वेश्चन स्कोर करना, जनरल साइंस मैथ में क्वेश्चन स्कोर करना ही अच्छा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ मत करिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कट ऑफ कितना रहेगा, भाई इस बार तो कट ऑफ क्या रहेगा तो कोई एस्ट्रोलाइजर भी नहीं बोल सकता, ठीक है। मैं तो एस्ट्रोलाइजर नहीं हूँ, मैं तो एक डेटा साइंटिस्ट हूँ, ठीक है, बस डेटा को एनालिसिस करता हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये तो होने वाला है दुनिया में पहली बार, रियल ऐसा एग्ज़ाम तो नहीं लिया, 75 का एग्ज़ाम, उसका सीबीटी, उसमें भी 15 टाइम का लगेगा, ठीक है। ऐसा कुछ हाई फाई कटअप नहीं रहेगा, फिर भी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन कितना आसान रहता है कितना टफ रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आसान रहता है तो कटअप बढ़ जाएगा, अगर टफ रहता है तो वो कम जाएगा। अगर कोई बच्चा यहाँ पर कोई बच्चा यहाँ पर पूछता है बात कि मेरा क्वेश्चन तो आसान रहा उसका क्वेश्चन टफ रहा, कोई बच्चा बोलता है मेरा टफ रहा था उसका आसान रहा था, तो बेटा इसीलिए ही रेल एक प्रोसेस चालू किया है कि ये एवोल्यूशन जो होगा ना, एवोल्यूशन एक बेसिस पे होगा, ठीक है, एवोल्यूशन एक बेसिस पे होगा, मतलब सभी का जो क्वेश्चन होगा वो एक ही मार्क्स पे लिया जाएगा, ठीक है, एक ही स्टैंडर्ड पे लिया जाएगा। वो कैसे, वो नॉर्मलाइजेशन के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। रेल ने बोल दिया है कि नॉर्मलाइजेशन रहेगा, टायर वन पे नॉर्मलाइज स्कोर रहेगा, तो गलतियाँ कम करें यही अच्छा है, ठीक है। और कुछ पॉइंट हम बोल देते हैं, या पर तो आपका नाम मिलेगा, पिक्चर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपको तुरंत इन्विजिलेटर से बोलना है। क्वेश्चन पेपर आप एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर देख सकते हैं, 60 क्वेश्चन, ठीक है। अब मान लो कि आप एक बार एग्ज़ाम से पहले, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया और आपने क्या किया, एक बार रिव्यू देखना चाहते हैं, अरे क्या क्या क्वेश्चन आया है, क्या क्या क्वेश्चन आया देखना चाहते, तो यहाँ पर इस बटन का यूज़ करना। और बाद में अगर हो गया,
ठीक है, आपका 50 मिनट में क्वेश्चन हो गया, 10 मिनट आपका पास है, तो आप कौन सा क्वेश्चन और कर सकते हो ये आप अगर देखना चाहते हो तो एक बार यहाँ से रिविजन कर सकते हो, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये बटन से रिविजन कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर है ये पर, इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन पहले दिया हुआ था ये वही इंस्ट्रक्शन यहाँ पर फिर है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, 7x करके जाना है, 7x करके जाना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट जा सकते हो, 47 क्वेश्चन पे मैं चला गया, ठीक है, इसे मान लिया इसका ऑप्शन ए आंसर है, तो आपको क्या करना है, 7x करना है, 7x कर दिया, ग्रीन हो गया, ठीक है। फाइनली जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा, यहाँ पर सबमिट का, अगर सबमिट पर आप नहीं किए तो इसको ये देखिए, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द सबमिट बटन, ठीक है, आपको सबमिट नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि द सिस्टम विल ऑटो सबमिट एट द एंड, मतलब ये टाइम जब जीरो हो जाएगा, 00.00 हो जाएगा, ठीक है, अभी टाइम लेफ्ट है 53 मिनट, तो ये जब 00:00 हो जाएगा तो ये जो सबमिट बटन है ये ऑटो सबमिट होगा, ऐसा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप जो चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी आंसर आपको करना है उसके बाद 7x करना है, ठीक है, आप 47 से चलो मान लो कि आप 47 से 14 पे चले गए, 14 पे आप ऑप्शन बी आंसर करके आप फिर 48 पे चले गए, तो देखो वो जो वाला जो क्वेश्चन था 14 देखिए रेड हो गया, क्यों रेड हो गया, क्योंकि आपने ऑप्शन बी तो कर दिया था लेकिन 7x नहीं किया, ये 7x करके कंप्यूटर का मेमोरी में जाएगा, ठीक है, 7x कर दिया तो आपका कंप्यूटर का मेमोरी पे जाएगा, ठीक है, सबमिट नहीं करना पड़ेगा, ऑटो सबमिट हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर मैंने बोल दिया, इंस्ट्रक्शन भी बोल दिया, मार्क एंड रिव्यू नेक्स्ट, इसमें करने से क्या फ़ायदा है और करने से क्या प्रॉब्लम भी है, मैंने दोनों ही बोल दिया, ठीक है, फ़ायदा तो है, आप बाद में उसको देख सकते हो, ठीक है, अगर एक क्वेश्चन है 39, आप एक काम करो इसको मार्क एंड रिव्यू करके चले जाओ, ठीक है, मार्क एंड रिव्यू करके चले जाओ, बाद में आकर इसको देखो, बाद में अगर इसको देखा अरे इसके तो इंडिया का आंसर होगा, ठीक है, उसका 7x आपको करना पड़ेगा फिर भी ग्रीन होगा, अगर ये ग्रीन होगा तभी आपको आंसर एवोल्यूशन पे जाएगा, नहीं तो ग्रीन नहीं होगा तो नो एवोल्यूशन, तो कोशिश कीजिएगा यहाँ पर जो ग्रीन कलर है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखे, ठीक है, यहाँ पर जो ग्रीन कलर है ज़्यादा से ज़्यादा दिखे, मतलब आपका लिए ये खुशी का बात है, ठीक है, 75 तो नहीं करना है, ठीक है, 75 नहीं करना है क्योंकि कट ऑफ तो 75 नहीं रहेगा, और जो पास मार्क्सिंग है वो 40% है, मतलब 75 का 40% आपको मिलना ही चाहिए, 40% अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं पास मार्क्स 40% है कि कट ऑफ मार्क्स भी 40% ही रहेगा, ऐसा नहीं, कट ऑफ मार्क्स थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो सोच समझ के आंसर कीजिएगा, धीरे आंसर कीजिएगा, ठीक है, कोई हड़बड़ाई नहीं, हड़बड़ाई में कोई गलती ना मत करना, ठीक है, गलतियाँ के लिए लेख तो रेल एक तो नेगेटिव मार्किंग देगा और एक नॉर्मलाइजेशन भी देगा, ठीक है, तो यहाँ पर आज का सेशन ख़त्म होता है, ठीक है, आप ज़रा एक बार चेक कर लीजिए, जो जो लोग चेक नहीं किए, आपका जो एडमिट है, जो सेंटर है आप लोगों का, वो एक बार चेक कीजिएगा, और स्टडी गाइड्स जो आपका चैनल है, जो स्टडी गाइड चैनल के साथ बने रहिएगा, सर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और स्टडी गाइड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी गाइड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आज फिर जो सेशन आने वाला है वो सब जनरल साइंस का सेशन आ जाएगा रेल के लिए, क्योंकि जनरल साइंस रेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बोला है, तो बने रहिएगा स्टडी गाइड चैनल के साथ, बाय।